अब हमारे साथ नितिन गडकरी जी जुड़ रहे हैं और नितिन जी ने हमारा साथ बहुत सारे सीजन्स में दिया है। नितिन जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। पहला सवाल आपसे कि आपके मंत्रालय ने बहुत काम किया है और जिस जन भागीदारी की बात प्रधानमंत्री अभी कर रहे थे, उसमें जब कोई भी लोग अपनी ज़मीन देता है तो ये भी बोलता है कि इस पर टॉयलेट बनाया जाए और उसी रास्ते से आपकी सड़कें जाती हैं, तो जब आपके मंत्रालय ने काम शुरू किया तो क्या क्या सपोर्ट आपको मिला और किस तरह से ये मास मूवमेंट बना? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सस्टेनेबल जीवन पद्धति के लिए स्वच्छता हमारा एक प्रकार से जीवन है और इसलिए हमने एक थ्योरी पर काम किया है कि कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, और इसलिए वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। सबसे पहला अच्छा काम ये हुआ है कि हमने दिल्ली मुंबई हाईवे में और UR2 में और डोलारो अहमदाबाद हाईवे में, चंडीगढ़ में और देश के अनेक जगह पर 80 लाख टन से ज़्यादा कचरा रोड कंस्ट्रक्शन में डाल दिया है। और अभी हमने जो कचरे को सेग्रीगेट करते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को ये जो मशीन लेनी पड़ती है सेग्रीगेशन की, इसके लिए भी हम उनको अब मदद कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र में बाम्बू होता है और अभी हम लोहा यूज़ करते हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सब बातें होती है। तो अभी हमने 80 किलोमीटर बाम्बू के क्रैश बैरियर हमने तैयार किया और उसका यूज़ किया हुआ है। इसके साथ साथ फ्लैश हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, बड़े प्रमाण पर अब फ्लैश रोड में हम यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण फ्लैश का शॉर्टेज हो रहा है। स्टील फाइबर जो वेस्ट होता है वो स्टील फाइबर का भी हम यूज़ कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है जो ग्लास है, ग्लास फाइबर स्टील, ये हमने नया लाया है, अब इसका भी उपयोग करने वाले हैं जिसके कारण कॉस्टिंग भी कम होगा और रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सॉइल स्टेबिलाइज करके जो अर्थवर्क करके मिट्टी लेनी पड़ती है उसमें 80% मिट्टी बच सकती है। वो स्टॉइल, उसको सॉइल स्टेबिलाइज करने के लिए हम स्टेबिलाइजर भी यूज़ कर रहे हैं। बाद में जो बिटुमिन है उसमें अभी हम, मैंने मीटिंग बुलाई अगले सप्ताह में, वैसे ऑलरेडी प्लास्टिक को रबर को हमने अलाउ किया है। हमारे देश में 90 लाख टन बिटुमिन आता है, उसमें से 40 से 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी की कैपेसिटी है और 40 से 50 टन इम्पोर्ट होता है। अभी हमने ये, मैं इंडियन और इंडिया की जो ऑयल कंपनी है उनको रिक्वेस्ट करने वालों, रिफाइनरी वालों को, कि भाई आप 15% रबर और 7% प्लास्टिक डालकर वो बिटुमिन हमको बना दो ताकि हम उसको डायरेक्ट सर्टिफाई करेंगे, यूज़ करेंगे, जिसके कारण वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट रबर का यूज़ होगा और हमारी कॉस्ट भी कम होगी। ये वेस्ट रबर और वेस्ट प्लास्टिक 25-30 रुपये किलो तक आ जाएगा और जिसके कारण बिटुमिन की कॉस्ट भी 10-15 रुपये हमको इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रोड की क्वालिटी भी सुधर जाएगी। इसके बाद हमने विशेष रूप से ये हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में हमने जो अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी लाई है उसमें प्री कास्ट को अभी हम मैंडेटरी करने वाले हैं। प्री कास्ट को मैंडेटरी करने से जो रोड पर स्टील सीमेंट आता है उसके कारण जो पोल्यूशन होता है वो नहीं होगा। फिर फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर FRP को, उसको भी हम इनकरेज कर रहे हैं। ग्लास फाइबर रीइंफोर्स स्टील, उसको भी कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का हमने काफ़ी उपयोग किया। अभी जो वेस्ट में जो सेग्रीगेशन होता है उसमें जो प्लास्टिक निकलता है, प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल भी तैयार हो सकता है। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी है कि हम ये जो हमारी परली है इससे इथेनॉल बना रहे हैं, एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, उसमें अभी बायो बिटुमिन भी तैयार हो रहा है। और ये जो देश में 400 प्रोजेक्ट अब लगभग प्रोसेस में 60 चालू हो गए हैं, जिसमें से बाय प्रोडक्ट करके CNG LNG बनने के बाद उसमें से ये लिग्नन करके तैयार होता है और ये 35% हम बिटुमिन में डाल सकते हैं। उसके भी स्पेसिफिकेशन हम तैयार कर रहे हैं जिसके कारण अब किसान अन्नदाता नहीं, अब किसान ऊर्जादाता नहीं, किसान ईंधन दाता नहीं, तो किसान बिटुमिन दाता भी बनेगा और हवाई ईंधन भी दाता बनेगा, जिससे गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और रूरल डेवलपमेंट और बढ़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने ये फ्यूल में बहुत बड़ा निर्णय किया है जिसमें देश को परिणाम मिलना शुरू हुआ है।
इथेनॉल, मेथेनॉल, एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन एंड बायो डीजल। अभी फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा आई है जिसमें हम 100% बायो इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। अभी सीएनजी के ऊपर बाइक आई, मैंने ही लॉन्च की बजाज की पुणे में, और उसमें ऐसा है कि 1 किलोमीटर के लिए पेट्रोल के लिए 2.25 रुपये खर्चा आता है और ये जो सीएनजी यूज़ करेंगे तो 1 रुपया आता है। तो इलेक्ट्रिक, सीएनजी और इथेनॉल, इसके ऊपर 2-व्हीलर 3-व्हीलर आएंगे तो प्रदूषण में कमी होगी, किसानों का फायदा होगा, गांव समृद्ध संपन्न होंगे और पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा। उसके साथ साथ किसान हाइड्रोजन भी बनाए, किसानों के साथ इथेनॉल जो बनाते हैं वो शुगर केन जूस, मोलाइसिस, फिर वह ब्रोकन राइस, कॉर्न और उसके साथ फूड ग्रेन, और अब उसके साथ हम परली से भी इथेनॉल बना रहे हैं और आगे अभी 20% है तो फ्लेक्स इंजन के कारण 100% इथेनॉल अब शुरू हो रहा है और इंडियन ऑयल ने 400 इथेनॉल के पंप डालने का भी निर्णय किया है। तो आने वाले समय में हमारे देश को इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस बनाने में इसमें हम कामयाब होंगे। और अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 देशों का बायोफ्यूल के लिए अलायंस भी हुआ है और इंडिया में बहुत सी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जिसके कारण हम देश में ही नहीं तो देश के बाहर भी काम कर सकेंगे। और इसमें पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट जो 22 लाख करोड़ का है, जो हमारे देश में प्रदूषण करता है, वो भी कम हो जाएगा और किसान, गांव गरीब मजदूर किसान समृद्ध होंगे और देश का पर्यावरण और स्वच्छता अभियान बहुत अच्छी तरीके से यशस्वी होगा।